गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी गाइस। आप लोग को याद होगा जो मैंने फिटर वाली वीडियो बनाई थी कतर पे, उसको कई सारे लोगों ने देखा, काफी अच्छे खासे कमेंट है उस पे। मैंने कुछ लोगों के कमेंट ऐसे ही पढ़े हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई अगर हमने आईटीआई कोर्स बेसिकली नहीं किया हुआ है, कोई काम भी नहीं सीखा हुआ है, फिर हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल कर सकते हो एज ए फिटर हेल्पर के तौर पर। जो कि आपने शायद नहीं सुना हो ये क्या होता है, मैं पहले बताया तो देखो फिटर हेल्पर बेसिकली क्या होता है। अगर आपने फिटर का काम करना है तो आपको जरूरी नहीं है आप कोर्स किए हो या फिर काम सीखे हुए तो ही कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एज ए हेल्पर के तौर पर काम कर सकते हो। फिटर हेल्पर ये बेसिकली क्या होता है, जो फिटर्स होते हैं जिनको पहले से एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा वो कोर्स करे हुए हैं, वो पहले से जॉब कर रहे हैं, उनके साथ में रहकर के आपको काम करना पड़ता है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है इनके साथ में रहकर के काम करते हो आप तो आपको काम सीखने को मिलता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। आपका टाइम काफी बचता है इसमें, कोर्स में आप 2-3 साल दगवाते हो बट इसमें आपका टाइम काफी बचता है। और सेकंड चीज, आपको इसके पैसे ही मिलते हैं, काम सीखने के भी साथ साथ पैसे मिलते हैं, आप अपने खर्चे चला सकते हो साथ में काम भी सीख सकते हो। कुछ दिनों बाद अगर आप काम सीख जाओगे तो 4 महीने 5 महीने बाद आप आराम से फिटर के तौर पर भी काम कर सकते हो। इसकी कितनी सैलरी मिल जाती है कतर में, अगर इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 10th के बाद ये काम सीख सकते हो आप, 12th पास हो तो और भी ठीक है। मेडिकल की जरूरत पड़ती है इसमें, शरीर के फिजिकल फिटनेस काफी अच्छे हो आप लोग का, कोई कमी ना हो, केस क्राइम ना हो आपके ऊपर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। पासपोर्ट आपके पास हो, पासपोर्ट बनवा लेना अगर काम करना है तो कतर में। ये चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो मैंने शेयर कर दी। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में, इसकी ऑन एन एवरेज जो सैलरी होती है वो लगभग 32-38,000 रुपए स्टार्टिंग में होती है, 40,000 तक मिनिमम इसकी सैलरी होती है। और क्योंकि हेल्पर के तौर पर काम करो तो लेबर वर्क हो गया तो हेल्पर के तौर पर ऐसा नहीं जाते मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, इतनी सैलरी तक आपको मिल जाती है। स्टार्टिंग में काम सीख रहे हो आप, जरूरी पैसे फोकस मत करो, अपने काम फोकस करो, अपने आप पैसा आने लगेगा ठीक है। तो ये चीज़ थी, छोटी सी वीडियो थी। लिंक मिलते हैं फिर वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, डाउट तो कमेंट करो। हैव नाइस डे बेस्ट ऑफ लक। वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और थैंक्स फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स।